जी नमस्कार, मेरा नाम राशिद रिजवान है और मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। हम लोग यहाँ टोटल 12 छात्र हैं गोपालगंज के, जो अभी यूक्रेन में फंस चुके हैं। यूक्रेन और रशिया का जंग चालू हो गया है, जैसा आप सभी को पता है। रशिया रात से ही बम्बार्डिंग कर रहा है, इवानो के हर सिटी पे बम्बार्डिंग कर रहा है। हमारी भी सिटी जो इवानो फ्रांकिस है, ये वेस्ट यूक्रेन में पड़ती है और ये अब तक की मतलब सेफेस्ट सिटी थी, लेकिन रात में इसमें भी बम्बार्डिंग हो गया है। ये जो एयरपोर्ट का इलाका है इसका, उस साइड तो हम सब काफी दहशत में हैं। हमारे परिजन काफी दहशत में हैं, वो डर रहे हैं, रो रहे हैं और हमें बार बार कॉल कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे रशिया लगातार बम्बार्डिंग करते जा रहा है और हम लोगों को कोई भी मदद नहीं मिल रही है, न सरकार से न कुछ। और तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। और गोपालगंज के जो सांसद हैं हमारे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, और जो DM साहब हैं हमारे डॉक्टर नवल किशोर, और ये जो बिहार के CM है श्री नीतीश कुमार, और जो अब विपक्षी पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनसे गुजारिश करते हैं कि हम लोग को, बिहार के छात्रों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए यहाँ से। और जो भी छात्र यहाँ भारतीय छात्र हैं, हम सभी की बात करेंगे, भारतीय छात्र को भी निकाला जाए, सब किसी को, क्योंकि यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। और बच्चे काफी दहशत में हैं। जो अभी भी एयर इंडिया की किराया, एयर इंडिया भी फ्लाइट लेके आई थी, उसका किराया भी इवैक्यूएशन के नाम पे 60,000 रुपये रखा गया था, जो कि एक नॉर्मल बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी नॉर्मल फ्लाइट यहाँ भी जो भी होती है वो 20,000 के आसपास में होती है, लेकिन एयर इंडिया भी लूट कर रही है, जो आपदा में अवसर कहते हैं वो वाले चीज कर रही है। तो आप सभी से गुजारिश है कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलवाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, PMO और CMO, हमारे जो भी जितने भी आला अधिकारी हैं, सबसे गुजारिश है कि हम लोग को यहाँ से निकाला जाए, जल्द से जल्द निकाला जाए। सर, धन्यवाद।